नमस्कार, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय योग विभाग की ओर से मैं नीता देवी आपका पुनः स्वागत करती हूँ। आज प्रदीपिका में वर्णित 15 आसनों का अभ्यास हम लगातार कर रहे हैं, तो आइए उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। अब जो हम अभ्यास करने जा रहे हैं वह पांचवा अभ्यास, पांचवा आसन कुक्कुट आसन का अभ्यास है। परंतु ध्यान रहे, कुक्कुट आसन का अभ्यास आप तभी कर पाएंगे जब अर्ध पद्मासन की स्थिति में आप परिपक्व हो जाते हैं। वह अर्ध पद्मासन से पद्मासन की स्थिति में आप परिपक्वता हासिल कर लेते हैं। आप नियमित अगर अभ्यास करेंगे तो आप निश्चित रूप से यह अभ्यास कर सकते हैं। पुनः हमने पैरों को दंडासन की स्थिति में इस प्रकार से रखना है और पद्मासन के लिए जिस भी पैर से आप सहज महसूस करते हैं उसे पहले मोड़ सकते हैं। जैसे भी आप पद्मासन लगाने के आगे हैं, इस प्रकार से दाएं पैर को मोड़कर मैंने बाई जंघा पर रखा और एक हाथ अंदर की ओर लेकर गए। अब पुनः हम बाएं पैर को मोड़कर, ध्यान रहे जब आप पद्मासन लगाएंगे तो पैर को अंदर की तरफ डालेंगे और पुनः इसके बीच से दोनों हाथों को इस प्रकार से आप निकालेंगे और आपको हाथों के बल उठने का प्रयास करना है। इस प्रकार से धीरे धीरे बार बार प्रयास करेंगे आप और भूमि से ऊपर उठते हुए सामने की ओर देखते हुए पद्मासन को ऊपर उठाकर रखें। जितनी देर आप रख सकते हैं, प्रारंभिक स्थिति में आप 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड अभ्यास कर सकते हैं। इस प्रकार से अभ्यास पूर्व होने के बाद यथासंभव जितना आप अभ्यास कर सकते हैं धीरे से वापस जाएंगे। पुनः हाथों को धीरे से जिस प्रकार आप गए थे उसी प्रकार बिल्कुल आराम से ऊपर की ओर निकाल लें। आपने देखा यह पद्मासन की स्थिति थी जिसके बीच से हमने हाथों को अंदर की ओर किया था। हाथों को जितना आप बाहर निकाल पाएंगे उतना आपको उठने में सहजता होगी। तो आइए अभ्यास करने के बाद हम पुनः दंडासन की स्थिति में लौटाएं। इस प्रकार से तो इसकी कुछ सावधानियां हैं जो आपको अभ्यास करते हुए व अभ्यास से पूर्व ध्यान में रखनी है। जैसा कि मैं पहले ही वर्णन कर चुकी हूँ कि जब आप अभ्यास करेंगे तो आप पद्मासन अच्छी तरह लगा सकें, पैरों में आपके लचीलापन रहे, तब आप यह अभ्यास कर सकते हैं। साथ ही साथ जब आप अपने शरीर को भूमि से ऊपर उठाते हैं तो आपके हाथों की मांसपेशियां, आपके हाथों की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी रहे, आपके हाथ सबल हो, तभी आप भूमि से ऊपर उठकर अपने शरीर का भार हाथों पर ले सकते हैं। अन्यथा गिरने के डर बना रहेगा आपको या गिर सकते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि हाथों से जो रिलेटेड आप जो भी करना चाहें अभ्यास वो आप कीजिए। उसके बाद जब आपको लगे कि आप अपने हाथों पर अपने शरीर का भार ले सकते हैं तब आप यह अभ्यास करेंगे। यदि पद्मासन अच्छा नहीं लग रहा है तो जोर जबरदस्ती करके हाथों को अंदर ना डालें, पहले पद्मासन का अच्छा अभ्यास करें। तत्पश्चात धीरे धीरे आसन की अंतिम स्थिति तक जाने का प्रयास करेंगे। तो आइए इसके लाभों को जानते हैं। जब आप यह अभ्यास करेंगे आप स्वतः महसूस करेंगे कि यह आपके पैरों को और अधिक लचीला बनाता है, साथ ही साथ यह आपके भीतर स्थिरता प्रदान करता है क्योंकि आप इसमें भूमि से उठकर एक स्थिति पर स्थिर रहते हैं जिसमें आपको बैलेंसिंग की जरूरत पड़ती है। यह अभ्यास आपके हाथों की मांसपेशियों को मजबूत करता है। यह अभ्यास करते हुए सीधा प्रभाव आपके पाचन तंत्र पर पड़ता है, आपकी कलाइयां जो कमजोर हैं वह मजबूत बनती हैं। तो इस प्रकार से हमने आज जो अभ्यास किया वह कुक्कुट आसन का अभ्यास था। तो आइए पुनः विश्राम की स्थिति में शरीर को ढीला छोड़ते हुए इस प्रकार रहें।